हेलो गाइज, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन टू धनी एक्सप्लोर्स। एज ऑलवेज नया दिन नया ब्लॉग। सो गाइज, अभी जो मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और आज मैंने ब्लॉग की स्टार्ट भी आप लोगों के बाहर से किया। डेली रूम के अंदर आप बोर हो गए, सेम चीज़ दिखती है, तो आज मैंने बाहर से जो ब्लॉग स्टार्ट किया। और अभी मैं जा रहा हूँ अपनी फिजियोथेरेपी के लिए। जैसे मैंने बताया था कि मेरी फिजियोथेरेपी जो है फिर से रिस्टार्ट हो गई है, लेकिन इस बार जो है फिजियोथेरेपिस्ट घर पर नहीं आएगी। उसका रीज़न ये है गाइज कि जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मुझे एक फिजियोथेरेपी के लिए प्रिस्क्रिप्शन मिला था 2 हफ्ते के लिए, जिसको कि मैं कहीं भी मतलब फिजियोथेरेपी के लिए यूज़ कर सकता था। वो गवर्नमेंट होता है, फ्री होता है वो, तो उसके लिए क्या है कि उस समय मैं अवेलेबल नहीं था, मतलब कि मैं अवेलेबल नहीं कह सकता, मैं उस समय जा नहीं सकता था, बहुत सिचुएशन ख़राब थी। तो मैंने उस समय उसको जो है ऐसे थोड़ा होल्ड में रखा और प्राइवेट फिजियोथेरेपी घर में ली। और जब मैं अब थोड़ा बेटर हो गया तो अब मैं वो वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ जो फ्री वाला मेरे को 2 हफ्ते का मिला है। तो अभी मैं उसके लिए जा रहा हूँ और वो मैंने एक्चुअली अपनी एक फेवरेट जगह में चूज़ किया है, सपोर्ट। जैसे कि आप सबको पता है, मेरी पिछली वीडियोस के द्वारा मैंने कई बार बताया कि यार मेरे को सपोर्ट से बहुत प्यार है, सपोर्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मैं वहाँ पर 5 साल रहा हूँ। तो वहीं पर मैंने जो है अपनी फिजियोथेरेपी जो है बुक करा रखी है। तो आज से स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू 2 हफ्ते तक चलेगा, डेली ऐसे आना जाना रहेगा। अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप में, मुझे बस लेनी, फिर आगे बात करते हैं। सो गाइस, ट्रैफिक जैम से सिर्फ इंडिया में ही नहीं लगता है, देखिए पूरा जाम हो रखा है, इतना ट्रैफिक है, देखिए पूरा यहाँ पर ट्रैफिक हो रखा है। गाइज, ये मेरा बस स्टॉप है, यहाँ से मैं डेली बस लूँगा। गाइज, अभी मैं बस स्टॉप में हूँ और थोड़ा मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी 2 मिनट बाकी हैं बस के लिए, लेकिन मुझे लगता है 2 मिनट से ज़्यादा लेट बस लगाएगी, बिकॉज मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ पूरा ट्रैफिक जैम है अभी। और वैसे यहाँ से सपोर्ट पहुँचने में जहाँ पर मुझे फिजियोथेरेपी के लिए जाना है वहाँ तक जो है 20 मिनट लगते हैं, बट जो ये ट्रैफिक अभी मुझे दिख रही है इसके अनुसार मुझे लगता है कम से कम 30 मिनट लग जाएंगे। और फिर मुझे वहाँ से भी वॉक करनी है 10 मिनट की, बट वो वॉक तो मेरी फेवरेट वॉक है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छा, आपको पता है वॉकिंग स्ट्रीट है, बहुत सारा क्राउड होता है तो मज़ा आता है चलने में। तो अभी चलते हैं। जिंदोब्रे मोके विलेत नॉर्मल ने अलग एक चेस बेंस है नहीं भाई, मुझे भी इस गाइस टिकट मैंने ले लिया और टिकट का सेम ही प्रोसीजर है, मैंने पिछली वीडियो में भी एक में बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर से बता देता हूँ, टिकट मैंने ले लिया, अंदर ड्राइवर से भी ले सकते हैं, आप मोबाइल से भी जो है डायरेक्टली ऑनलाइन खरीद सकते हो, लेकिन मैंने ज़्यादा टिकट्स लेनी थी बिकॉज मुझे काफ़ी दिन अभी ट्रैवल करना है, तो मैंने जो है ले लिया। और ये 2 टिकट जो है यहाँ पर जो मशीनें लगी हुई है, ये आप पीछे देख रहे होंगे जो छोटे छोटे डब्बे मशीन है, इसमें पंच करनी होती है, तो जो भी अभी चेकिंग वाले आएंगे उनको ये दोनों दिखानी और दैट्स ऑल। टिकट लेनी जरूरी है, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आपको फाइन से तो बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, जितने में कि आपके 2 महीने की टिकट आ जाए, इसलिए आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको टिकट जरूरी लेनी है। सो गाइज, अभी पहुंच चुका हूं मैं सपोर्ट में और अभी जो है यहां से मुझे 10 मिनट और वॉक करनी है वो फिजियोथेरेपी सेंटर में पहुंचने के लिए, तो चलते हैं। सो गाइज, यहां पर मैकडी है, मैकडोनल्ड्स में ऐसा है कि कहीं भीड़ हो ना हो यहां पर आपको जरूर भीड़ मिलेगी। एक्चुअली ये जो चर्च है यहां पर, ये एक्चुअली सपोर्ट का सबसे बड़ा चर्च है, यहां पर काफ़ी बड़ा है, मैं इसके अंदर भी घुमा हूँ, इसकी कोई हिस्ट्री भी है बट मुझे इसका हिस्ट्री का इतना मालूम नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये सपोर्ट का सबसे बड़ा जो है चर्च है यहाँ पर। यहाँ पर कलरफुल्स हेयर है, जो लोग अपने बच्चों के साथ आते हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ आते हैं, उनके बालों में इसको लगाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है उसमें बच्चियों के बाल में। पर ये जो भालू की मूर्ति बनाई, इस भालू में जो है सब लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाते हैं जो भी यहाँ पर घूमने आते हैं। सो गाइज, फाइनली जो है मैं धीरे धीरे अपने फिजियोथेरेपी सेंटर के नज़दीक पहुँच रहा हूँ, अपने फेवरेट जगह में पहुँच चुका हूँ और सामने मेरा फिजियोथेरेपी, अब वहीं पर मिलते हैं आपको। सो गाइज, यही वो बिल्डिंग है जिसके अंदर मुझे जाना है फिजियोथेरेपी के लिए, तो अब इसके अंदर चलते हैं, फिजियोथेरेपी करवाते हैं और इसके अंदर मैं शूट नहीं कर पाऊँगा, आपको भी पता है ये काइंड ऑफ हॉस्पिटल है, इसके अंदर जो है पेशेंट लोग होते हैं तो यहाँ तो नहीं शूट हो पाएगा। तो मैं अंदर चलता हूँ और जैसे फिजियोथेरेपी ख़त्म होती है बाद में आपको मिलता हूँ 2 घंटे बाद। सो गाइज, फिजियोथेरेपी जो है ख़त्म हो गई और मतलब आज के लिए ख़त्म हो गई, अभी मैं घर जा रहा हूँ और यहाँ से वही 10-15 मिनट की वॉक है, उसके बाद बस लूँगा, फिर वहाँ से 10 मिनट की वॉक है, लेकिन काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पर, मैं चाहता तो थोड़ी देर और रुक जाता, यहाँ पर काफ़ी क्राउड है, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने की, लेकिन मैं यहाँ पर रुकूँगा नहीं बिकॉज मेरी बॉडी पेन कर रही है, क्योंकि 1 हफ्ते मेरी फिजियोथेरेपी हुई नहीं, तो 1 हफ्ते से वैसे मैं थोड़ा सा इधर उधर बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था दोस्तों के साथ, तो अभी दोबारा जब रिस्टार्ट की फिजियोथेरेपी तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो है बहुत स्ट्रांगली फिजियोथेरेपी करते हैं, मसाज वगैरह भी होता है, और ऑपरेशन के बाद आपको पता है मसल्स वैसे बहुत वीक होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, तो इसलिए भी दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि बहुत ही रौनक है यहाँ पर, लेकिन मुझे फिर कभी रुकूंगा यहाँ पर, फिर कभी आपको इधर उधर और घुमाऊंगा, आगे बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन आज अभी जो है मुझे घर जाना है बिकॉज मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ और ज़्यादा ओवर मेरे को मना किया करने को,
कि अगर मैं कुछ ज़्यादा ओवर करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। अभी मुझे ज़्यादा करके रेस्ट करना है। सो गाइस चलते हैं, जितने आप इतना ही देखिए और इसमें ही खुश रहिए, और प्लीज़ इसमें ही मुझे सपोर्ट कीजिए। और जब भी मैं ठीक होता हूँ या ठीक रहूँगा तो आप लोगों के लिए ऑफकोर्स नई नई जगह से नई नई वीडियोज़ बनाते ही रहता हूँ, आपको भी पता है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है, कुछ लोगों को लगता है कि यार ये वीडियो में इधर उधर घूमता है, ये इतना अच्छा इन्जॉय करता है, फिर बोलता है कि मैं बीमार हूँ। ऐसा नहीं है गाइस, मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब है। मैं सिर्फ वीडियो में अच्छा दिखता हूँ, 10-15 मिनट के लिए दिखता हूँ, बाकी मेरी लाइफ कैसे चल रही हो मुझे पता है। हर बात बतानी ज़रूरी नहीं होती, समझने वाले समझ जाते हैं। ऑपरेशन के बाद सिचुएशन बहुत ख़राब है, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं है, एक यूट्यूब है, इसमें टाइम पास हो जाता है, अच्छा मन लगा रहता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। सो गाइस प्लीज़ आप लोग भी अपना सपोर्ट जो ऐसे ही बनाते रहिए, और चलते हैं घर। सो गाइज अभी मैं फाइनली घर पहुंच गया हूँ। बहुत ट्रैफिक है यार, बहुत ट्रैफिक। जिस बस में 20 से 25 मिनट लगते हैं उस बस ने 1 घंटा लगाया मुझे पहुंचाने में। हालत ख़राब हो गई। अभी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है, फिर बात करते हैं आपसे। सो गाइज जैसे मैंने आपको बताया, मैं बहुत थक गया था फिजियोथेरेपी के बाद, और मैं आके खाना खा के सो गया। मुझे भयंकर वाली नींद आ गई 2 घंटे के लिए। अभी अभी मैं उठा हूँ और अभी जो है मैं कॉफ़ी पीऊँगा, ब्लैक कॉफ़ी एज ऑलवेज। और जब ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद ही जो है मेरी आंखें खुलती हैं और ढंग से नींद खुलती है। फिर देखते हैं क्या करना है आगे, तो थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं और मिलते हैं आपसे। सो गाइस फाइनली जो है मैं थोड़ा सा बाहर आ गया आपको बाहर का व्यू दिखाने के लिए। रात की 9 बज रही है अभी, और यहाँ पर काफ़ी उजाला है अभी, आप देख सकते हो। लेकिन जितनी पिछली वीडियो में जो है 9 बजे उजाला था, उतना नहीं है। धीरे धीरे अभी जो है जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे जैसे जो है समर धीरे धीरे ख़त्म होगा, तो यहाँ पर जो है सर्दियों में 5-6 बजे भी रात पड़ जाती है। लेकिन अभी जो है पूरा यहाँ पर उजाला है। मैं दूसरी तरफ कैमरा करके आपको दिखाऊंगा। सो ये देखिए गाइस, इस प्रकार से रात को 9 बजे का व्यू है बालकोनी से मेरे, जहाँ पर मैं भी रहता हूँ। क्या मस्त व्यू है ना। और एक मैं आपको और भी काम की चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर इन लोगों ने कर रखा होता है, ये आप देख रहे हो, ये सिर्फ जो यहाँ पर चिड़िया पंछियाँ जो होती हैं उनके लिए इन्होंने, हर गार्डन में लगभग आपको मिलेगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है खाने के लिए रख देते हैं, ताकि चिड़िया वगैरह आएंगे तो यहाँ से खा सकती हैं। और एक और है यहाँ पर गाइस, ये देखे, ये भी यहाँ पर रखा हुआ है, इसका छोटा सा घर टाइप का बना है, इसके अंदर पानी भर देते हैं ताकि जब चिड़िया वगैरह आए तो वो प्यासी ना रहें, वो प्यास से मर ना जाएं, इसलिए उनके लिए पानी का भी यहाँ पर बंदोबस्त किया होता है समर में। सो गाइस जब मेरी सर्जरी हो रखी थी ना, और मैं चल फिर नहीं पाता था, मैं बिल्कुल घर के अंदर रहता था, लेटा रहता था, 3-4 महीने तक बिल्कुल बेड पे था, तो मैं यहाँ पर आता था कभी कभी इसी बालकनी में, और बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर आके। ऐसे ही जो है एकदम फ्रेश एयर, और पूरा चारों तरफ जो है पर्यावरण एकदम नेचर दिखता था, तो बहुत एक पॉजिटिविटी से आती थी यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता था। और साथ में मुझे ना आप लोगों को एक बात बतानी थी यार, जब ना मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन करता हूँ या फिर किसी का प्रमोशन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं किसी इंडियन मार्केट में जाता हूँ, इंडियन स्टोर में जाता हूँ, या किसी मेहंदी वाले का या किसी डीजे वाले का अगर मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में ना, उनका फेसबुक पेज होता है, उसमें उनका नंबर भी होता है, तो आपको अगर उनसे काम है तो उनसे जुड़ सकते हो। अगर आप पोलैंड में हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे उनके प्राइजेस जान सकते हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है यार गाइज, आप लोगों से प्लीज़ आप एक काम मत कीजिए जो कि बहुत गलत है। आप क्या करते हो, आई मीन मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, इनमें से कुछ लोग हैं, जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, इसमें से कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं कि वहां से नंबर लेके और उस बंदे को या बंदी को व्हाट्सअप करके पता क्या बोलते हैं कि भाई ये मेरा वर्क परमिट है, इसको चेक करो, भाई मैं पोलैंड आ रहा हूँ, फ्लाइट चल रही कि नहीं चल रही। भाई यहाँ पर नहीं है किसी को इतना टाइम कि वो तुम्हारे, उनके अपने काम है, वो नहीं आपको जवाब देंगे। और फिर वो मेरे को कोसते हैं कि यार हमने तो तेरे को अपना लिंक और नंबर इसलिए दिया था कि तू हमारा प्रमोशन करेगा, लेकिन वहां तो कुछ और ही चल रहा है, लोग हमें ऐसे मैसेज करके तंग करें। हालांकि मैंने अभी नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में देना बंद कर दिया जब से ये सीन हो रहा है, लेकिन अभी भी लोग फेसबुक पेज में जाके वहां से नंबर लेके ऐसा कर रहे हैं। तो प्लीज एक आप मुझे छोटा भाई या बड़ा भाई जो भी मानते हो, एक उसकी हैसियत से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसा मत कीजिए यार, अच्छा नहीं लगता है, लोग इरिटेट होते हैं। प्लीज़ आप ऐसे काम मत करिए, क्यों किसी को फालतू में परेशान करना। जिनको आप जानते हो उतना ठीक है, मेरे को जानते हो, मेरे से बात करते हो, अच्छा है, लेकिन औरों को मत परेशान करो यार, लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। सो गाइज यही आपको कहना था, और होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार अगर आप नए आए हो मेरे चैनल में। और जल्दी मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड गाइज, बाय बाय, नमस्कार।